नमस्कार। 10 सीरीज़ में मैं एक बार फिर आपके सामने आया हूँ और 10 सीरीज़ में आज हम जिक्र करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जैसा कि पहले से लिखा हुआ है, इस टेंस की जो पहचान है वो है चुका है, चुकी है, चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब के लिए आपको हैज़ और हैव का प्रयोग करना पड़ेगा। इसके लिए आप ध्यान रखें कि अगर आपका सब्जेक्ट एकवचन का होगा तो आप हैज़ का प्रयोग करेंगे, और बहुवचन का अगर आपका सब्जेक्ट होता है तो आप उसमें हैव का प्रयोग करेंगे। इसके साथ ही परफेक्ट टेंस में या जो भी परफेक्ट टेंस आता है उसमें हमेशा आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं साधारण वाक्यों की। तो साधारण वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, फिर हैज़, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और जो बाकी के जो एलिमेंट होते हैं उनका इस्तेमाल करना है। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट आपका एक वचन आ गया ही, तो इसके लिए आपको हैज़ का प्रयोग करना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे ईट है तो ईट का थर्ड फॉर्म ईटन हो गया, फूड तो ही हैज़ ईटन फूड, और प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लूरल होते ही आपको हैव का प्रयोग कर देना है, तो वी हैव गोन टू स्कूल। इस तरीके से अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देना है। तो आप हैज हैव को सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल कर देंगे तो आपका सीधा आपका प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा, जिसे आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारे को हैज हैव का प्रयोग करना है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट और बाकी के एलिमेंट। जैसे इन्हीं सेंटेंस को हम अगर प्रश्नवाचक वाक्य में बदलते हैं तो सबसे पहले जैसे एक वचन सब्जेक्ट है तो आप हैज पहले लगा देंगे, बहुवचन सब्जेक्ट है तो आप हैव पहले लगा देंगे, बाकी सेंटेंस को आप हैज इट इज़ रख देंगे। जैसे हैज ही ईटन फूड, क्या वो खाना खा चुका है। हैव वी गोन टू स्कूल, क्या हम स्कूल जा चुके हैं। इसी तरीके से अगर निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमारे को सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, और हेल्पिंग वर्ब में ही आपको नॉट का इस्तेमाल कर देना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और बाकी के एलिमेंट। तो नेगेटिव में बनाना ही सेंटेंस को, तो ही हेल्पिंग वर्ब आ गया इसके अंदर हैज़, और इसी में आप नॉट इंक्लूड कर देंगे तो हो गया आपका ही हैज़ ईटन, ही हैज़ नॉट ईटन फूड, और दूसरा बहुवचन का बनाएं तो वी हैव नॉट गोन टू स्कूल। इसी तरीके से इंट्रोगेटिव और नेगेटिव आपको बनाना है तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हैज़ है पहले लेंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद में आपको नॉट का इस्तेमाल करना है। तो हैज़ ही नॉट ईटन फूड, योर हैव वी नॉट गोन टू स्कूल। तो इस तरीके से आपको चारों वाक्यों की स्ट्रक्चर बता दिए। मूल बात इसमें यह है कि आपको हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव का प्रयोग करना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इसमें इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं हम इसके करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की, कि कहाँ पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको फिल करना है। तो उसके लिए मैं आपको एडवर्ब्स बताता आ रहा हूँ टेंस वाइज। तो हम आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एडवर्ब्स को देखेंगे कि कौन सी एडवर्ब्स में आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो एडवर्ब के तौर पर आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है नेवर, एवर, यट, बिफोर और ऑलरेडी। ये इसके एडवर्ब्स हो गए। अब एग्जांपल्स के तौर पर हम देख लेते हैं। He not come school yet. Yet का मतलब है अब तक या अभी तक। Already मानी पहले से, पहले से, before मानी पहले, never मानी कभी नहीं, ever मानी सदा या हमेशा। तो देखिए अब इसमें negative sentence आ गया। अब negative sentence में मैंने आपको बताया था कि आप helping verb के बाद not का इस्तेमाल करते, verb की third form का आप इसमें प्रयोग करेंगे। अब देखें आप यहाँ पर subject आपका एक वचन का है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर यट को मानते हुए यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मान लिया, और इसी हिसाब से हमने इसमें हैज़ नॉट और कम का थर्ड फॉर्म कम, तो सही ऑप्शन हो गया आपका हैज़ नॉट कम। इसी तरीके से ही ऑलरेडी गो टू स्कूल, तो ऑलरेडी आ गया
तो इसके हिसाब से हमने मान लिया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सब्जेक्ट यहाँ पर ही है, तो इसमें आप कर देंगे हैज़ ऑलरेडी गॉन थर्ड फॉर्म के साथ। इसी तरीके से वी एक इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का देख लेते हैं। और यहाँ पर दे दिया आपको क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क के अकॉर्डिंग आप देख लेंगे कि यहाँ पर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया है, क्योंकि नॉट इसमें इंक्लूड नहीं है, तो इसको हम नॉट होता तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस मानते। तो आप यहाँ पर सबसे पहली चीज़ देखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आपका प्लूरल, तो इसके लिए आप सबसे पहले हैव का प्रयोग करेंगे, फिर वी के बाद में आपकी जो एडवर्ब है ऑलरेडी, और फिनिश का थर्ड फॉर्म आपको फिनिश्ड। तो हैव ऑलरेडी फिनिश्ड, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो करेक्ट फॉर्म वर्ब वर्ब है वो इजीली आप भर सकते हैं। आसान चीज़ है, एक बार आप इस पैटर्न को समझ लें। मूल बात यही है कि आपको हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। सेंटेंस का आप स्ट्रक्चर देख लें कि आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है, इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है, या इंट्रोगेटिव या नेगेटिव है, तो उस हिसाब से आप इनको फिलअप कर दें। एडवर्ब्स के तौर पर आप हमेशा ध्यान रखें कि नेवर, एवर, येट, बिफोर और ऑलरेडी, ये सारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एडवर्ब्स होते हैं, तो प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग आप इनको इजीली फिलअप कर सकते हैं इन्हीं शब्दों के साथ। धन्यवाद।